कहते हो, किस्मत में होगी तो जिंदगी बदल जाएगी। मेहनत कर बंदे, किस्मत भी यही कहती है, मेहनत रंग लाएगी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप अपने डेली रूटीन को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से मेहनत भी कर रहे होंगे अपने सपनों को पाने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैं सुबह उठ जाती हूँ। फेस वॉश करने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में चाय बनाने के लिए, किचन में आ जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और फिर टेस्टी टेस्टी चाय इतने बनती, इतने हम कुछ अच्छी सी बात करते हैं। तो चलिए, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। डैट मीन्स हमें अपने आप को खुद ही बदलना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने अपनों को खुश करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं एंड मेरी ज़िंदगी के एक नए से दिन में आपका स्वागत है। तो मौसम हमेशा की तरह ठंड वाला है, बट आई नीड टू स्टडी। तो मैं अपनी बुक लेके चाय पीने के बाद आ जाती हूँ बाहर। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठने की कोशिश करती हूँ, बट ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी तो थोड़ी देर के लिए मैं अंदर पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ सफाई पे, थोड़ी देर झाड़ू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एक पढ़ाई का स्लॉट करेंगे। क्योंकि मैं, आप सभी को पता है कि मैं घर का काम अपने ब्रेक टाइम में करती हूँ, जिससे माइंड भी फ्रेश होता रहे, बीच बीच में ब्रेक सा भी मिलता रहे और पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रहे। वरना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यू पढ़ते रहें, इसलिए बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। और फिर वो ऐसे करूँ मैं पहले काम करूँ सारा, फिर पढ़ने बैठूँ, फिर बीच बीच में ब्रेक भी लेती रहूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकती क्योंकि इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतना टाइम मेरे पास है नहीं। इसलिए मैं ब्रेक टाइम में घर का काम इन्जॉय कर लेती हूँ और फिर पढ़ती रहती हूँ, बाद में उस टाइम को यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी दिनचर्या रहती है। आप सभी हमेशा मेरे को देखते भी हैं और आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी हमेशा ऐसे ही बने रहना, क्योंकि मतलब एक फैमिली बन जाती है थोड़े दिनों के बाद। कंटिन्यू उन्हीं के कमेंट्स आते हैं, हम उन्हें जानने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो एक फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है सब कुछ। एंड दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 700 प्लस एस्पिरेंट्स हैं जो आप सभी की तरह एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पर डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं और आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैनल के चैट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। एंड दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाना चाहती हूँ। हमारी जो प्रिपरेशन है ना, ये बहुत टाइम तक चलने वाली है, तो आप बिल्कुल ऐसे मत करना कि किताबों पे ही पढ़े रहो पूरा दिन। आपको थोड़ा बहुत बीच में माइंड फ्रेश भी करना चाहिए। मतलब ऐसे कंटिन्यू हम नहीं कर सकते, हम ह्यूमन बींग्स, हम कोई मशीन नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कभी ऐसे लगे ना कि भाई थोड़ा बहुत ब्रेक की ज़रूरत है, तो ब्रेक ज़रूर लो। इतना प्रेशराइज मत करो खुद को कि बिल्कुल आपकी तबीयत भी ख़राब होने लग जाए। अगर आपको कभी कभी ज़रूरत है थोड़ा बहुत रेस्ट लेने की, तो आप बाहर घूमो, अपने दोस्तों के साथ थोड़े बहुत टाइम के लिए जाओ, मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बिल्कुल खुद को इतना वो मत करना। क्योंकि साथ साथ में थोड़ा बहुत हमारा ठीक रहना भी ज़रूरी है। हमारी मेंटल हेल्थ, जब हम खुद सही रहेंगे ना, तभी हमारी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रख लो कि कंटिन्यू कोई नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू पढ़ेंगे ना तो क्या चीज़ हो जाएगी? सबसे ज़्यादा चीज़ तो ये हो जाएगी, हमारे दिमाग में जाना बंद हो जाएगा सब कुछ। हमें उस कंसेप्ट को करने में जितना टाइम लगेगा ना, अगर हम ब्रेक लेके थोड़ा बहुत करें तो उससे आधा टाइम लगेगा, वरना बिल्कुल हमारा दिमाग भी ख़राब रहने लग जाएगा। और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम रहती है, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब मैं ऐसे करती हूँ। तो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत कोई बोल देता है तो मैं ऐसे गुस्सा करने लग जाती हूँ, चिड़चिड़ हो जाती है मेरे को बिल्कुल। एंड इसके अपोजिट एक हमारे साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि हम ना खुद को एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा जोश आने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, और कभी कभी खुद को एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं कि आज इसलिए नहीं पढ़े, आज ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अगर मेहनत करेंगे तभी होगा, एक्सक्यूजेस हम खुद को ही देते हैं सच में, बहुत ज़्यादा खुद को ही वो करते हैं कि आज ये हो गया था, आज ऐसे हो गया था, आज वैसे हो गया था, इसलिए ऐसे हो गया। मतलब
ये चीज़ सब में है, कॉमन है, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है ये चीज़। मैं मेरे भाई बहन में भी देखती हूँ, वो भी ऐसे ही करते हैं। वो पता है क्या करते हैं, जैसे हम शाम को बैठते हैं सभी, तो वो ऐसे करते हैं, आज पढ़ नहीं पाए, आज ना ये हो गया था, वरना तो मैं कर लेता, कल से पक्का ऐसे करूँगा। सबके साथ है ये प्रॉब्लम, सबके साथ। और इसी प्रॉब्लम को हम तभी वो कर सकते हैं, हम दिमाग में फिट कर लें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, तभी हम अपने एक्सक्यूजेस को बंद कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिपरेशन के टाइम में। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो बिल्कुल, एक तो बिल्कुल मुद्दे पड़े रहते हैं किताबों पे, और एक होते हैं जो खुद को एक्सक्यूजेस देते रहते हैं रोज़ की, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो इन सभी में हमें जो करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट भी करना चाहिए, और जो बिल्कुल एक्सक्यूजेस देते रहते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच में ब्रेक लो, लेकिन पढ़ाई भी साथ में करो, डेली करो, ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत करो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई थोड़ा थोड़ा इसे ही सागर भरता है, मतलब बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसी प्रकार हम डेली थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, तो महीने के लास्ट में आप देखना आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। और पूरे महीने अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो बाद में वो गिल्ट होता है ना, ये गिल्ट सबसे ज़्यादा वो होता है। कभी कभी मैं अभी गुस्ताखी कर जाती हूँ खुद से एक दो दिन के लिए, और फिर बाद में जब वो गिल्ट रह जाता है ना अंदर, वो बिल्कुल रात को सोने भी नहीं देता। ये प्रॉब्लम्स होती हैं हम सबके साथ, और इन सबके साथ होती हैं, ये बिल्कुल सबके साथ। और ये आज मेरे दिमाग में ऐसे ही चल रही थी कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने शेयर किया आप सभी के साथ। देखो सुबह बिल्कुल ज़्यादा धुंध हो रही थी, और अब कितना अच्छा मौसम हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल मौसम। और फिर इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आके मैडम बन जाती हूँ, खुद को ही समझाती हूँ, रिवीजन बताऊँ किस तरीके से हम किसी कंसेप्ट को अपने अंदर कर लेते हैं। हम इस तरीके से रिवाइज करो, मन मन में मत करो, बोल बोल के रिवाइज करो, जैसे खुद को समझा रहे हो कि प्रेजेंट टेंस में ये होता है, तब आता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, इस तरीके से करो ना, फिर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से होगा। मैं ऐसे ही अभी टीचर बनी हुई थी वहाँ पे, रखे ऐसे हाथ को ऐसे करके कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, खुद को समझा रही थी। या समझ लो अगर कोई मेरे को सुन रहा होगा तो उसके पक्का दिमाग में घुस गया होगा, क्योंकि जब एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट को या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है ना, तो उसे पता है कि भाई मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम आई थी तो उसके दिमाग में भी ये प्रॉब्लम आई होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही रहती है जब हम दो चार बंदे आराम से बैठ के करते हैं ना। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में सभी भाई बहन, कोई बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है, जुड़वां तो है नहीं हम, इसलिए खुद ही करनी पड़ती है। सबकी अपनी अलग अलग फील्ड होती है, सबकी अलग अलग मर्जियां होती है, कोई कुछ करके खुश है तो कोई कुछ करके खुश है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई इसलिए इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को सही ट्रैक पर रख सकूँ और ऐसे आप सभी के साथ अपनी बातें शेयर कर सकूँ। मुझे एक मंच मिल जाता है अपनी बातें आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी कमेंट में मुझे अपनी बातें समझाते हैं, तो इसे बिल्कुल सही से चलता रहता है सब कुछ। और इसीलिए मैंने ये सब स्टार्ट किया, और भगवान की दया से, आप सभी की दया से बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। और दोस्तों आजकल ये चीज़ भी हो रही है, हम किसी का चाहे कितना ही कर ले, अगर हमने एक बार उनका नहीं किया ना, तो फिर वो पिछला सारा साफ हो जाता है। सबकी लाइफ में होता है, चाहे दोस्ती में लगा लो, चाहे किसी भी चीज़ में लगा लो। मैं आप सभी की कोशिश करती हूँ कि मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दूँ, और अगर ऐसा कोई कमेंट हो कि भाई जिसे मैं वीडियो में जवाब दे सकूँ, तो मैं उसकी भी कोशिश करती हूँ, मैं जवाब देना चाहती हूँ। लेकिन कई बार दिमाग से स्लिप हो जाता है, जवाब नहीं दिया जाता, और क्या पता आप बुरा मान जाते हो। तो प्लीज़ किसी भी बात का बुरा मत मानना, आप दोबारा से कमेंट कर देना, क्योंकि मेरे दिमाग से, किसी के भी दिमाग से स्लिप हो सकता है, वैसे ही मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो अगर आपको किसी को लगता है कि मेरा कमेंट का जवाब नहीं दिया, तो आप दोबारा से कर दिया करो कमेंट, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कमेंट किया करो, जिससे मुझे हौसला मिलता है और मत और अच्छी वीडियो बनाऊँ, थोड़ी और मेहनत करूँ। अगर हम कुछ काम करें तो अगर हमें उसका फीडबैक अच्छा मिले तो मन भी करता है। तो आप समझा करो, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। तो अब मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हर हर महादेव।